बस इस सस्ती सी चीज का सेवन करो, शरीर की ताकत और वजन इतनी तेजी से बढ़ेगा देखते रह जाओगे। अगर आपका शरीर बहुत ज्यादा पतला है कंपेयर टू दूसरे लोग, आपके हाथ पांव बहुत ज्यादा पतले हैं, आप उन्हें मजबूत मोटा और तंदुरुस्त बनाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी रेमेडी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। सबसे अच्छी बात की रेमेडी बहुत ज्यादा सिंपल है बनाने में, और दूसरी बात ये बहुत ज्यादा सस्ती भी है। कोई भी गरीब घर का लड़का भी इसका सेवन कर अपने शरीर को मजबूत और ताकतवर बना सकता है, जो कि उसकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा और उसे खुद में भी कॉन्फिडेंस महसूस होगा। कोई भी व्यक्ति अगर इस उपाय का मात्र एक हफ्ते तक प्रयोग करे तो उसे अपने शरीर के वजन में, ताकत में मात्र एक हफ्ते में ही अंतर देखने को मिलेगा। ये जो उपाय है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है उन लोगों के लिए भी जिनके हड्डियों में ताकत नहीं है, जिनके घुटने दर्द करते रहते हैं, या कमर दर्द की जिनको समस्या होती है, या वो पुरुष जिनमें ताकत की कमी होती है, और अंदरूनी ताकत की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भी जो है इस नुस्खे का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे उनको फायदे देखने को मिलेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल भंडार टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि भविष्य में आप इस प्रकार के और वीडियोस देख पाएं। तो आइए चलिए जानते हैं कि इस उपाय को आप तैयार किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस तरीके से आप एक बर्तन लेंगे और आपको चाहिए होगा एक गिलास दूध, जिसे आप जो इस तरीके से एक बर्तन में डाल लेंगे। दूध लेने के बाद ये दूसरी चीज आप प्रयोग करेंगे जो कि रहेगा मखाना। बहुत ही आसानी से मिलने वाला ये मखाना हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर इसे हम दूध के साथ बना करके प्रयोग करते हैं, सेवन में लाते हैं, तो ये हमारे शरीर के वजन को बढ़ाता है, ताकत को बढ़ाता है, ओवरऑल बॉडी और स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपको कुछ इतनी मात्रा में जो है मखाना लेना है और उसे जो है इस तरीके से दूध में ऐड कर देना है। इसके बाद तीसरी चीज जिसका आप प्रयोग करेंगे वो रहेगा खसखस। करना क्या है आपको कि आपको आधा चम्मच इस तरीके से खसखस को एक पानी में डाल देना है, जिसे आप 2 से 3 घंटे या अगर आप ज्यादा समय भी रखेंगे तो फायदा ही होगा, आप जो है इस तरीके से पानी में डाल करके रखेंगे। उसके बाद जब आप इस रेमेडी को बना रहे हो तब आपको इस तरीके से लेकर के इस रेमेडी में इसे ऐड कर देना है। अब आप देख सकते हैं मैंने जो है इसे इस तरीके से डाल दिया है। अब आपका काम बस ये है कि आप इसे इस तरीके से मिलाइए और आप जो है इसे गैस पर चढ़ा दीजिए, अच्छी तरीके से जो है इसे आप उबालिएगा, और उबालने के बाद आपको इसे कुछ देर जो है छोड़ देना है उसी तरीके से, जब तक ये थोड़ा ठंडा हो जाए, आपके सेवन करने लायक हो जाए। जब ये सेवन करने लायक हो जाए तब आपको इसका सेवन किस तरीके से और किस समय करना है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसका सेवन करने का 2 टाइम रहेगा, आप दिन में किसी भी 2 टाइम पे इसका सेवन कर सकते हैं, या तो आप सुबह कर लीजिए नाश्ते के समय, या फिर रात को सोने से पहले आप इसका सेवन कर लीजिए। ध्यान रखिए जब आप इसका सेवन कर रहे हो, अगर रात को कर रहे हैं आप, तो आप ज्यादा मात्रा में खाना ना खा लें वरना ब्लोटिंग की समस्या हो जाएगी। ध्यान रखिए अगर कोई महिला इस वीडियो को देख रही है और वो प्रेग्नेंट है, तो ध्यान रखिए आप जो इसका सेवन नहीं करेंगी। जिन लोगों को दूध पचने की जो समस्या होती है, दूध सही तरीके से पचता नहीं है, तो वो भी इसका सेवन नहीं करेंगे, कोई और रेमेडी मैं उनके लिए लेकर के आऊंगा। ध्यान रखिए इस उपाय को आपको हफ्ते में सिर्फ 3 बार प्रयोग करना है, और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो शरीर में बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर कोई युवा इस वीडियो को देख रहा है जिसकी पाचन शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो जो है इस उपाय का नियमित तौर पर भी सेवन कर सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। आशा करता हूं भंडार टीवी का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ ऐसी और नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको लगा हो फायदेमंद है तो दूसरों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में किसी इस प्रकार के नए नुस्खे और टिप्स के साथ, तब तक लिए नमस्कार।